कुछ दिनों पहले की बात है, मैं और धन सिंह जी हमेशा के लिए बर्डिंग करने गए हुए थे। एंड बर्डिंग ख़त्म करके जब हम वापस आ रहे थे तो इट वॉज़ अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग। धूप आ गई थी एंड मौसम में थोड़ी सी गर्माहट भी आ गई थी। जब हम वापस आ रहे थे, हम एक छोटे से पानी के गदेरे को क्रॉस किया। हमने बहुत ही हल्का सा पानी का स्ट्रीम था वो, एंड उसके आसपास बहुत ही डेंस झाड़ियाँ थीं। तो जैसे ही हम उस गदेरे के पास आए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक कलीज फेजेंट का मेल था। तो जो वो कलीज फेजेंट का मेल था, हमने अज्यूम किया कि इट वॉज देयर टू probably drink water। लेकिन as we spend some more time there, उसको शूट करते हुए हमने रियलाइज किया कि वो अकेला नहीं है। एंड थोड़ा सा ध्यान देने पे भी नोटिस्ड कि उसी गदेरे के आसपास कम से कम 4 या 5 मेल थे एंड 2 फीमेल थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उस गदेरे के आसपास बहुत ही डेंस झाड़ियाँ थी, तो जैसे ही उन्होंने हमको देखा वो बहुत रैपिडली उन झाड़ियों में डिसअपियर हो गए। वो झाड़ियाँ इतनी डेंस थी कि भले हम उनको देख पा रहे थे, लेकिन कैमरेमैन को कैप्चर करना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब वो झाड़ियों में डिसअपियर हो गए तो हमें लगा कि ओके, दिस वाज अ वेरी गुड साइटिंग एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी देम अगेन। लेकिन वो जो झाड़ियाँ थी उसके ठीक ऊपर एक सड़क थी, एंड सडनली धन सिंह जी टोल्ड मी कि प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट गारंटी है कि दिस ग्रुप ऑफ कलीज फेजेंट जो है ये पक्का 100% रोड क्रॉस करने वाला। I thought, well then we can take a good chance, क्योंकि अगर वो सड़क पर आते हैं तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर शॉट मिलेगा। जिस तरीके से उनका मोमेंट था, we assume कि this is the area जहाँ से वो सड़क पर आ सकते हैं, तो depending on that spot, मैं एक vantage point पे चुपचाप से बैठ गया। And then I waited for them to come on the road, if they do come. मुझे वहाँ बैठे हुए मुश्किल से आई थिंक 2 मिनट भी नहीं हुए थे व्हेन व्हाटएवर धन सिंह जी टोल्ड एग्जैक्टली हैपेंड। एंड दिस मेल ये पीक करने लगा सड़क के ठीक नीचे से, एंड आई वाज सिटिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस मेल। इनिशियली वो थोड़ा सा क्यूरियस था एंड आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी डरा हुआ भी था, बट इन 10 to 15 सेकेंड्स इट टुक अ डिसीशन टू स्टेप आउट इन द ओपन, एंड दैट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल साइट।
इफ यू नो कलीज फेजेंट्स, द मोमेंट दे सी पीपल वो बहुत रैपिडली डिसअपियर हो जाते हैं थिकेट्स में, बुशेस में. लेकिन फॉर सम रीजंस जो मेल था ये बहुत ही आराम से, इट टुक इट्स ओन स्वीट टाइम एंड इसने बहुत ही स्लोली रोड को क्रॉस किया. एंड इसके पीछे पीछे द होल ग्रुप फॉलोड. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्योंकि सनराइज हो चुका था एंड जहाँ पे मैं बैठा था द सन वॉज राइजिंग फ्रॉम बिहाइंड मी, सो ऑल्सो देर वॉज नो डायरेक्ट लाइट हियर. लेकिन जो उनकी बॉडी थी, स्पेशली मेल्स की, जो इनडायरेक्ट मॉर्निंग लाइट पड़ रही थी उन पे, तो उनकी फुल बॉडी वॉज जस्ट ग्लोइंग इन दैट मैजिकल लाइट. एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जस्ट सिटिंग देयर सो क्लोज टू देम, the distance of less than 10 to 12 feet. एवेंचुअली एक एक करके सारे के सारे मेल एंड सारे के सारे फीमेल दे क्रॉस द रोड. एंड जिस खामोशी के साथ वो नीचे से आए थे, उसी खामोशी के साथ वो सड़क के ऊपर जंगल में डिसअपीयर हो गए.